क्रिया पद क्या है, तो जिसके अंदर अलग अलग प्रकार से आपने स्टैंडर्ड 8 में पढ़ा ही होगा कि किस तरह से वर्तमान काल के रूप आते हैं, आपने सीखा ही है। इसी दौरान हम उसको थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे, कुछ एग्जांपल्स में बोल रही हूँ। अक्षरः पठति, स्मिषा नृत्यति, भावयः लिखति, चिरागः पूजयति। अब यहाँ पे ये जो सारे जो सेंटेंसेस मैंने अभी पढ़े वो वर्तमान काल के क्रियापद के हैं। इस तरह से तो यहाँ पे हर एक क्रियापद में धातु और प्रत्यय के बीच में कुछ ऐसी ध्वनियाँ बोली जाती हैं जिसके कारण उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं जो वर्तमान काल के आते हैं। जैसे कि पठति, पठ प्लस अ प्लस ति, पठ। अब जब बोलेंगे पठति तो वहां से पठ, तो प में से ठ में से क्या स्वर निकलेगा, अ का स्वर निकलेगा, इसी दौरान उसमें अ वर्ण आया हुआ है। इसी तरह से नृत्यति, नृत प्लस य प्लस ति, नृत ति, य प्रत्यय य वर्ण में यहाँ पे आता है। इसी तरह से हर एक वर्ण की ध्वनियों में उसके प्रत्यय में कुछ चेंजेस आते हैं। संस्कृत धातु में हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ 10 गण ऐसे हैं जो दिखाए गए हैं। उसमें अलग अलग 10 गण के हम नाम बोले तो प्रथम गण से लेके 10 गण में उसके नाम में भ्वादि अदादि जो हो तो वो आपको पूछा नहीं जाता, और उसके विकरण प्रत्यय जब वो आपको स्टैंडर्ड 10th में आएंगे, और उसके क्रियापद भी क्या होते हैं स्टैंडर्ड 9th में, आपको जो 10 गण है उसको पहले से लेके आपको 4 गण है वो पढ़ने के हैं। 4 गण में हम देखें तो पहला गण है अ प्रत्यय का, फोर्थ गण है य प्रत्यय का, जो लास्ट 6th है वो अ प्रत्यय का है, और उसके बाद है जो 10वां वो भी अ प्रत्यय का है। तो आपको अ य आ और अय प्रत्यय के बारे में पढ़ने का है, ठीक है। इसे हम शॉर्ट में देखें, तो यहाँ पे जब धातु है वो क्रियापद के नाम से जुड़ जाता है, जब धातु है वो क्रियापद से यूज होता है, तभी जो धातु है उसी प्रत्यय को हमें वहां पे जुड़ना होता है। किस तरह से, तो इसी प्रत्यय को जानने के लिए उसका जो टेंसेस है, उसके जो धातु के गण है, उसके पुरुष है या स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, वो सारे वचन को हमें याद रखना जरूरी है। तो यहाँ पे जो वर्तमान काल है उसके वर्तमान काल लट लकार, तो यहाँ पे वर्तमान लट लकार के दो पार्ट होते हैं, वर्तमान काल परस्मै पद के रूप, वर्तमान काल आत्मनेपद पद के रूप। इसी दौरान जो परस्मै है वो क्या है, तो परस्मै पद में जो धातु है वो परस्मै प्रत्यय में लगते हैं उसे हम परस्मै पद के नाम से जानते हैं। आत्मनेपद पद क्या है, तो जो आत्मनेपद पद के जो प्रत्यय है वो आत्मनेपद में लगते हैं उसी नाम से हम आत्मनेपद में जानते हैं। वो पद क्या है, तो यहाँ पे जो मैंने लिखे हैं उसे हम पद के नाम से जानते हैं। इसी दौरान उभयपदी क्या है वो सबसे ज्यादा पूछा तो नहीं जाता, पर आपकी जानकारी के लिए कभी कभी कोई ऐसी धातु है जो परस्मै पद में भी आती है और आत्मनेपद में भी आती है, तो दोनों के प्रत्यय में ऐसी धातुओं को हम उभय पद की धातु के नाम से जाने। वर्तमान काल क्रियापद के धातु को उसके विकरण प्रत्यय को और रूढ़ प्रत्यय को लगाने से यहाँ पे उसके 3 पार्ट होते हैं। इसी दौरान धातु और वहाँ पे क्रियापद का जो क्रियापद बना हुआ है वो सर्वप्रथम धातु होने के लिए सबसे ज्यादा विकरण प्रत्यय में जुड़ा जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो पुरुषवाचक और परस्मै पद में आता है उसे हम परस्मै पद और आत्मनेय पद के नाम से जानते हैं। ये था क्या वर्तमान काल है, किस तरह से हम परस्मै पद के और आत्मनेय पद के रूप को हम जानते हैं। अब यहाँ पे मेरे रूप लिखे हैं, किसके रूप है, तो वर्तमान काल लट लकार के रूप, वर्तमान काल के परस्मै पद के रूप क्या आएंगे, तो इसे हम 3 पार्ट में इस तरह से देखेंगे, सिंगुलर में, ड्यूल में और प्लूरल में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ओके क्लियर, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मी, फर्स्ट पर्सन ड्यूल वह,
पहले हम ये देखते हैं वर्तमान काल के आत्मनेपद के रूप क्या हैं। तो यहाँ पे आप देखिए वर्तमान काल आत्मनेपद सेम प्रोसेस